हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इन अ नर्व, इफ सोडियम पोटेशियम पंप इज ब्लॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पंप में आप ये देखेंगे एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी यूज की जाती है 3 सोडियम आयन्स को बाहर भेजने के लिए और 2 पोटेशियम आयन्स को अंदर भेजने के लिए। एक्सोप्लाज्म में 2 पोटेशियम आयन भेजे जाएंगे, एक्सोप्लाज्म से बाहर नर्व जो आप न्यूरॉन देख रहे हैं उससे बाहर, उसके एक्सोप्लाज्म से बाहर 3 सोडियम आयन्स को भेजा जाता है। ठीक है, ये काम हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। अब जब आप रेस्टिंग नर्व फाइबर देखते हैं, रेस्टिंग नर्व फाइबर में बाहर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, अंदर निगेटिव चार्ज मिल रहा है। बाहर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा मिल रही है, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मिल रहे हैं जिस वजह से अंदर निगेटिव चार्ज है। ओके, रेस्टिंग नर्व फाइबर है, रेस्टिंग नर्व पोटेंशियल अगर देखें -70 MV होता है। जब स्टिमुलस आता है तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और सोडियम चैनल जो होता है ना वो ओपन हो जाता है। वो ओपन हो जाएगा तो सोडियम आयन बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर मूवमेंट आप देख सोडियम का देखेंगे। तो बाहर जहाँ पॉजिटिव था ना तो पॉजिटिव रहा, बट जहाँ स्टिमुलस आया वहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम आयन ने अंदर मूव करना स्टार्ट किया, तो अंदर इनके मूव करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर निगेटिव आ गया। ठीक है, और बाकी मेम्ब्रेन पर ऐसे दिखा देते, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये चेंज मिला आपको नर्व फाइबर में। ठीक है, इतने एरिया में आप देख रहे हैं कि चेंज मिल रहा है। फिर आप कंडक्शन ऑफ इम्पल्स देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एक इम्पल्स देखेंगे, यहाँ इससे जंप करेगा इधर चार्ज। ठीक है, ऐसे इम्पल्स को ट्रांसमिट होता देखेंगे, और एक तरह से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है। ठीक है, फिर आप देखते हैं पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो आप क्या देखेंगे, पोटेशियम आयन बाहर मूव कर जाते हैं, सोडियम आयन अंदर मूव कर जाते हैं। ओके, बट यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि जब आप ये देखते हैं बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अंदर निगेटिव आता है। बाहर पॉजिटिव क्यों आया, पोटेशियम की वजह से। अंदर निगेटिव क्यों आया, क्योंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। बट रेस्टिंग नर्व फाइबर में अगर हम देखें बाहर पॉजिटिव क्यों है, सोडियम आयन की वजह से, और अंदर निगेटिव क्यों है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पोटेशियम आयन की वजह से। ठीक है, अब आप देखते हैं लास्ट स्टेप में कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, ये क्या करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है, जिस वजह से बाहर पॉजिटिव आ जाता है और अंदर निगेटिव आ जाता है। बाहर पॉजिटिव क्यों आया, सोडियम आयन की ही वजह से। तो वापस से आपका नर्व फाइबर जो था अपने रेस्टिंग स्टेज में आ गया। ठीक है, पोलराइज स्टेट है ये, यहाँ डीपोलराइज हो गया था ये। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, इफ नर्व इन अ नर्व इफ सोडियम पोटेशियम पंप इज ब्लॉक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। सोडियम इनसाइड द नर्व विल इंक्रीज, सोडियम नर्व के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, करेक्ट है। सोडियम आउटसाइड द नर्व विल इंक्रीज, ये इनकरेक्ट है। हमने क्या क्या देखा, सोडियम अंदर बाहर से कहाँ मूव कर रहा है, इसमें अंदर मूव कर रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सोडियम अंदर ज्यादा हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम विल इंक्रीज आउटसाइड द सेल, तो दोनों बाहर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सोडियम तो अंदर मूव कर रहा है। पोटेशियम इनसाइड दी नर्व विल इंक्रीज, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। पोटेशियम हमने देखा, पोटेशियम चैनल इसके बाद क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो पोटेशियम आयन कहाँ मूव करते हैं, पोटेशियम आयन बाहर मूव करते हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज तो आ जाता है, मेम्ब्रेन अपने पहले वाली कंडीशन में तो आ जाती है, रेस्टिंग नर्व फाइबर जैसी तो लगने लगती है, बट बाहर ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, पोटेशियम की वजह से। बट रेस्टिंग नर्व फाइबर में हम क्या देखते हैं, सोडियम की वजह से बाहर पॉजिटिव है। तो यहाँ फिर काम करता है इसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें 3 सोडियम बाहर भेजे जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर भेजे जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर पोटेशियम इनसाइड दी नर्व विल इंक्रीज नहीं, पोटेशियम बाहर मूव कर गया था तो अंदर तो सोडियम ज्यादा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन UNCERT क्लास 11 पेज नंबर 232 पर भी मिले। थैंक यू।